हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। और आज की जो वीडियो है, मैं बड़ी एक हैवी हार्ट से मैं कह रही हूँ कि आज की वीडियो में मैं आपसे ये बताना आपको चाह रही हूँ एक्चुअली, कि आज से मेरी किसी वीडियो में फैसल नहीं आएंगे। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी इंसान को ज़बरदस्ती हमें किसी भी काम के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई रियलाइज्ड, नॉट टूडे, बहुत दफ़ा ऐसा फील हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ समवन इज़ नॉट कम्फर्टेबल कैमरे के आगे आने में, तो हमें उस इंसान को लेना ही नहीं चाहिए। बिकॉज़ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं एक्चुअली देखो, वीलॉगिंग इज़ नॉट डैट मच ईजी कि आप अकेले कर सको। जितने भी वीलॉग्स आप देखते हैं, उसमें एक पूरी एक फैमिली सपोर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकेस देखे, मेरे बच्चे हैं छोटे और मेरे घर में एक मेरे मियाँ ही हैं जो कि वो फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा समटाइम्स कैमरा कॉन्शियस ही रहते हैं मोस्टली, तो कैमरे के आगे भी वो हाँ ना ज़्यादा की बात नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज से मैं उनको कैमरे के आगे नहीं लूँगी, और आज से बस मैं और मेरे बच्चे जो है ना, वही हम ही वीलॉग में आया करेंगे। फैसल को हम कैमरे में नहीं लेंगे, बिकॉज अगर एक इंसान जो है वो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। तो ये मैंने कहा कि आज से मैं आपको ये चीज़ मैं आपको बता दूं। तो बस अब अपने वीलॉग का स्टार्ट इस तरह करती हूँ कि सैरी का टाइम हो रहा है, तकरीबन कोई 2:30 बज रहे हैं। बिकॉज अभी मैंने वीलॉग स्टार्ट किया तो मैंने उनसे टाइम ही पूछा, तो उन्होंने कहा वो इवन ही इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड कि मैं पूछ भी क्या रही हूँ, मैं वीलॉग शूट कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू शेयर दिस थिंग ना। तो उन्होंने कहा खुद देख लो, तो ये वो। तो मैंने कहा था चलो ठीक है भैया, मैं खुद ही कर लिया करूँगी, तो अब आप इतने ना ही जतन करो मेरी खातिर ज़बरदस्ती कैमरे के आगे आने के। एनीवेज, लेकिन अगर हाँ, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे ना वीलॉगिंग में, तो आपका कॉन्टेंट बहुत अच्छा निकल आता है, बिकॉज हम एक दूसरे को एज अ फैमिली ही जानते हैं ना। तो आप लोग खाली मुझे नहीं जानते, मेरी पूरी फैमिली को जानते हैं, ठीक है। तो ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ करने का फ़ायदा नहीं है, किसी के साथ कोई भी काम करने का या करवाने का। तो खैर एनीवेज, अभी 3 बज रहे हैं और सैरी का टाइम हो गया। आज खाने में बनी हुई थी हमारे यहाँ निहारी। आज अफ्तार के बाद बहुत सारे काम किए मैंने, खाना बनाया अपना, चिकन निहारी बनाई, उसके बाद बच्चों की स्कूल के लिए चिकन बनाई, उसके बाद और भी पता नहीं क्या है, दो कीमा जो है वो मैंने बॉईल करके पहले रख लेती हूँ ताकि जब बनाना हो तो फिर फटाफट हम कीमा बना लें। तो ये सारी चीज़ें खाने में हुई। उसके बाद बच्चों को सुलाया, पढ़ाया, बिकॉज एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आलियान के फाइनल। उसके बाद मैंने अपना लाइव किया तकरीबन 1-1.5 घंटे का, और उसके अपने फेसबुक पेज पे, और उसके बाद अभी मैं आके बाहर बैठी हूँ। तो बस ये है, अभी हम सैरी वगैरह करेंगे, उसके बाद सोएंगे और फिर आपसे सुबह मिलेंगे। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। फ्रेंड्स, तो मैं अपने किचन में इस वक्त आ गई हूँ, और किचन में ये है कि जी गैस अभी नहीं आई है, हालांकि रात के 3 बज गए हैं, टाइम मैं देख चुकी हूँ अब क्या हो रहा है, और ये टाइम मुझे उम्र भर याद रहेगा, ठीक है। एनीवेज, तो अभी मैंने सिलेंडर के ऊपर जो है अपना ये खाना रख लिया हुआ है। ये हमारी है निहारी जो हमने आज बनाई है। ये इतना अनकंफर्टेबल होता है ना मेरे लिए, ये नीचे मुझसे इतना झुका नहीं जाता। एनीवेज, सो ये हमारी है निहारी, एक मिनट, ठीक है ना, सही। ये हमारी निहारी है, ये अभी ज़रा हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ना कि ये मैंने कीमा वगैरह यहाँ पे अपना रख लिया हुआ है बॉईल करके, ताकि जब मुझे खाना बनाना हो तो मुझे आसानी रहे। यहाँ पे हमारा दूध शूद बॉईल हुआ हुआ है, और इसमें क्या है, अच्छा ये खाना, ओके फाइन। तो बस अभी किचन की थोड़ी देर, बच्चों के लंच बॉक्सेस वगैरह सारी चीज़ें ज़रा सी अभी हम समेट लेंगी, मैं समेट लूँगी। और यहाँ पे ये मैंने अभी कहवा पिया था, ये उसका रखा हुआ है, और ये आज हमारे किचन में एक नई चीज़ आई है वाइपर, ताकि हम इसे पानी निकाल सकें, छोटा वाइपर, सही है जी। ये हमारी चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, ये हम उधर रख देते हैं। मैं फ्रेंड्स, किचन का काम ऐसा होता है कि आप जितना भी कर लो ना, फैला ही रहता है ना, ये तो बड़ा मसला है भाई। खैर से आज 15 रोज़े माशाल्लाह से हो गए हुए हैं, और ये भाई हम सैरी करने लगे हैं निहारी के साथ। तो मैंने तो चिकन की निहारी बनाई है, बिकॉज़ मेरे बच्चों को चिकन की निहारी पसंद है। ठीक, स्कूल की जो वाटर बॉटल्स है ना, ये मैं वो करके भी पानी भर के रख दूँगी। लंच बॉक्स बंद कर दिया जाए। ये स्नैक अटैक के नाम से ना इंस्टाग्राम पे पेज है, उनके यहाँ से मुझे ये पीआर पैकेज में रिसीव हुए थे, बड़े अच्छे लंच बॉक्सेस क्वालिटी वाइज ना, दीज आर वेरी गुड। फ्रेंड्स, निहारी जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही थी, मैंने ज़रा सा इसको पानी डाला है, थोड़ी सी ये पतली हो जाए, ठीक है। अभी इसके अंदर ऊपर से धनिया वगैरह ऐड कर लेंगे,
शामी कबाब बनाए थे, तो वो ऐसे ही मैंने ना फ्रीज़र में रख दिए थे ट्रे प्लेट समेत ही, तो वो मुझे टाइम नहीं मिला। अभी मैं इसको शॉपर में डाल के ना या बॉक्स में डाल के ना उसमें रख लूँगी अपना फ्रिज में। तो फ्रेंड्स ये एक बॉक्स है एयर टाइट, इसके अंदर ये भी है सारे कबाब निकालती हूँ, जो कि इतनी आसानी से निकलेंगे तो नहीं, थोड़ी सी मुझे लग रहा है डब्बा छोटा पड़ेगा। चलो डाल के देख लेते कि क्या ये कबाब आ जाएंगे इसमें या नहीं, ठीक है ना। तो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि स्पून के साथ ना जो निकल सके मैं निकाल लूँ, और ये बॉक्स ऐसे मुझे लग छोटा रहा, तो हम दो बॉक्सेस में कर लेते हैं, क्या ख्याल है, निकल तो रहे वैसे कुछ हाथ से, कुछ नहीं निकल रहे। सही है, एक ट्रे तो ऑलमोस्ट हमारी खाली, कल जाओ ये अटका, ये ढीट है, बंद कर देते हैं, ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो एक जो बॉक्स है मेरा वो शामी कबाब का डन हो गया हुआ है, दूसरा जो है वो मैं बॉक्स में कर लेती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों बॉक्सेस जो हैं मेरे शामी कबाब के डन हो गए हैं, वही अभी गिरता सही है, तुम लोगों को दिखाने के चक्करों में ना मेरे कबाब गिर जाते, और मैं ये भी फ्रीजर में रख रही हूँ, डन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी गरम गरम जो निहारी है ये हम खाएंगे इंशाल्लाह। और साथ जो है ये नान छोटे छोटे मजे के गोल गोल, ठीक है। पंखा जो है मैं बंद कर देती हूँ। ओके ओके फ्रेंड्स, तो बस अब हम खाना खा रहे हैं और बस सैरी करने लगे। गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला, और अब आप कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं, अच्छा स्कूल में क्या क्या लेकर आते हैं आप लंच में? कोको जेली और चिकन ब्लेड और ओलियो। ओलियो, और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है साथ वो क्या लेकर आता है? दो दो चिप्स। दो दो चिप्स, कौन से वाले? क्या बना होता है उस पे? टाइगर। टाइगर बना होता है चिप्स पे, तो उसका नाम क्या है पता है आपको? उसका नाम है चीटो। और इब्राहिम क्या लेकर आता है? जिज्जी। जिज्जी, क्या क्या होता है इसके लंच बॉक्स में? जैसे के जेली और जेलीफिश। जेलीफिश और ओरियो। ओरियो और कोको। ये तो आपके लंच बॉक्स में होता है। आपके लंच बॉक्स में क्या क्या होता है? बहुत कुछ। बहुत कुछ, कौन बनाता है आपका लंच रोजाना? मम्मा। आपका हेल्दी फूड होता है? यस। हेल्दी फूड में क्या देती है मम्मा? चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड, ओके। भाई कहाँ है लियान भाई? स्कूल चला गया। स्कूल चला गया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी सुबह के 8 बज गए हैं और मैं जो सहरी से जाग रही हूँ, जो पूरी रात की जाग रही हूँ, तो मैं अभी तक 8 बजे तक मैं जाग रही हूँ। तो बस अभी अब्दुल्ला को स्कूल छोड़ने जाएंगे, अब्दुल्ला के पापा भी वालियान को छोड़ने गए मैं, फिर अब्दुल्ला स्कूल चला जाएगा, फिर मैं सो जाऊँगी। फैसल तो खैर जल्दी सो गए थे, तो फैसल की नींद पूरी है लेकिन मेरी नहीं है, तो बस ये चल रहा है आज। क्या हुआ? किसके बेटे हो? मम्मा। फ्रेंड्स, तो बच्चे मेरे जो हैं वो चले गए हैं स्कूल, और अभी सुबह के बज रहे 8, तो 8 तो नहीं, अब तो खैर आई थिंक 9:15 हो रहे होंगे। अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोने लगी हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर उठते हैं दोपहर में, फिर मुलाकात होती है। आज के व्लॉग में इतना ही, होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।